Hello students, this is our second lecture series of unitary optics. In this series I am going to discuss the very important questions related to your board examination. So please watch this video till the end. So firstly I am going to start the question number 10. That is, the question is this: write the necessary condition for the phenomena of total internal reflection to occur, that is TIR. So I hope कि आप total internal reflection phenomena को आप लोगों ने पढ़ लिया है और इसके बारे में आप जानते होंगे. तो इससे related जो दो conditions हमारे पास हैं वो क्या हैं, यहाँ पर मैंने mention किया है, there must be fulfill two condition आपकी fulfill होनी चाहिए. first है, light should move from denser to rarer. ठीक है, यहाँ पे medium mention कर लीजिए, है ना, rarer to denser ना हो के, बल्कि क्या होता है, denser to rarer होता है. ठीक है, वैसे generally आप light, आपकी light rarer to denser में fall करती है ना, तो यहाँ क्या है, denser to rarer होना चाहिए. second point है, angle of incidence is greater than critical angle. critical angle को क्या बोलते हो, IC. मैंने इससे पहले first lecture में आपको critical angle की डेफिनीशंस आपको मैंने बता रखी है, तो आप उसको वीडियो को वॉच कर दीजिए और क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट वहाँ से समझ लीजिए. दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. सो आई होप दिस क्वेश्चन बी क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड दैट इज़ 9.2, पेज नंबर 315. आपका एग्जाम्पल नंबर 9.2 है जिसको आपको खुद से करके देखना है. इफ़ यू आर facing any problem, then please comment it in my comment box. I will give you the solution. So the next question is question number 12. Write the relationship between angle of incidence I, angle of prism A and delta M, where is delta M is called minimum deviation. So here students, it is a very simple relation, that is A plus delta M is equal to 2I. Clear? Why? Because we know that I is equal to A plus delta M by 2. Clear? N के लिए फार्मूला आप क्या लिखते हैं, N is equal to sin A plus delta M divided by 2 divided by sin A by 2. तो यहाँ से अगर हम A sin I by sin R ये लिखा है, that is ये I की जगह पे A plus delta M by 2 लिखा है, तो आई की जगह पे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होगा और यहाँ से 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम. क्लियर, तो ये आपका रिलेशन है. आई होप दिस आंसर बी आल्सो बी क्लियर टू यू. सो द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ ए इक्विलेटरल ग्रास प्रिज्म. इक्विलेटरल मीन्स उसके सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे. सोच द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब है डेल्टा एम आपको दिया है 30 डिग्री. फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रो द प्रिज्म. आपको प्रिज्म के थ्रो आपको स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ मैंने एक मेंशन किया है कि ये जो फिगर है डेल्टा, कोई ज़रूरी नहीं कि ये 30 ही आए, कुछ भी हो सकता है. तो अभी हम ये नहीं जानते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है. ठीक है, तो डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ 30 है फॉर ए प्रिज्म इन द मिनिमम डिविएशन. ठीक है, आई वन इज इक्वल टू आई टू, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू आई. क्लियर, जैसा मैंने यहाँ 30 30 मेंशन किया, दैट इज़ आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई सिंपली, और आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर होता है. तो हम क्या लिखते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ए बाई टू होती है. तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, 60 बाई 2, दैट इज़ यहाँ पर 30 वैल्यू हो जाएगी, है ना. आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 30 आ गई. अब नेक्स्ट पेज में मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 2i होता है. तो i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2. अब हमें a मालूम था कितना था, 60 डिग्री, एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री था और डेल्टा एम 30 डिग्री था, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 45 डिग्री. अब यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर लगा दिया, तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 45 है,
यहाँ साइन डिवाइडेड बाई साइन 30 है, तो आपको भी पता है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये क्रॉस में बदल गए दोनों, 1/√2 हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 से यहाँ पे 2 को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2, और 2 को मैं लिखूँगा √2 × √2। क्लियर, तो 1√2 से 1√2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, n = 1.414। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू फॉर दिस प्रिज्म। आई होप दिस आंसर बी आल्सो बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप हैज़ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि जो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है और लार्ज अपर्चर का होता है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो वी नो दैट m = −f/e। अब आप खुद बताओ, आई लेंस का फोकस अगर मैंने स्मॉल कर दिया तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, बोलो, मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। क्लियर, तो यही तो होता है, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव, उतना मैग्नीफिकेशन अच्छा होगा। तो फर्स्ट केस क्या है, फॉर लार्जर मैग्नीफिकेशन। सेकंड कंसेप्ट क्या है, देखो हमारा अपर्चर अगर छोटा होगा, है ना, जैसे मान लो साइज इतना छोटा है, तो इस पर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट आएगी, है ना, और अगर मेरा अपर्चर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक, बहुत सारी लाइट आएगी, है ना, और लाइट जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे कन्वर्ज होके जब मिलेगी सारी लाइट्स, तो हमको उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। तो क्या है कि सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ब्राइट एंड शार्प इमेज, क्या करने के लिए, ब्राइट और शार्प इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, ज़्यादा चाहते हैं। और ऐसा कब अचीव हो सकता है, जब हमारा अपर्चर का साइज जो है वो बड़ा हो। क्लियर, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव जो लेंस होना चाहिए, है ना, टेलीस्कोप का, वो कैसा होना चाहिए, लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए, ठीक है, और अपर्चर भी कैसा होना चाहिए, लार्ज। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये क्यों होता है। सो द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व, जब दो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, बोलो, एक्सप्लेन हाउ कैन बी इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको बताना है हम रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यूज़ द रिलेवेंट फार्मूला टू सपोर्ट योर आंसर, आपको एक रिलेवेंट फार्मूला लिखना है और अपने आंसर को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर सोल्यूशन, व्हेन वी कैन सी द टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली अलग अलग देखना चाहते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, देन द टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व, तो क्या होंगे, बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट जस्ट वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो उसके लिए जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है वो होता है 2n sin θ/λ। क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर 2n sin θ/λ। आप इस फार्मूले को ड्राइव कर चुके होंगे, ठीक है, और अगर आपने इसको नहीं ड्राइव किया है तो आप इसको प्लीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप रिमेंबर कर लीजिए, आपको इसका आंसर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस रिजॉल्विंग पावर, दिस पॉइंट इज सेइंग दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, है ना, रिजॉल्विंग पावर जो माइक्रोस्कोप का है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, जो वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं लाइट की, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं किसी भी रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के। आई होप दैट आंसर बी आल्सो बी क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट,
प्लीज जस्ट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द टू एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर क्या एडवांटेज है. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. ये मैंने मेंशन किया है द टू एडवांटेजेस ऑफ टेलीस्कोप. फर्स्ट, नो क्रोमेटिक एब्रेशन. कन्फर्म है कि उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, है ना. क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता रिफ्लेक्टिंग टाइप में. और लार्ज रिजॉल्विंग पावर, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो लार्ज होती है. एक सी पॉइंट आप और मेंशन कर सकते हैं, लाइट वेट, है ना. ये कैसा होता है, लाइट वेट का होता है. इट मीन्स ये बहुत ही हल्का होता है एंड ईजी टू कैरी, एंड ईजी टू कैरी. ठीक है, तो ये आपके थ्री पॉइंट्स. आप किसी भी पॉइंट्स को एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो एग्ज़ाम्पल हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप फिफ्थ लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर 90. तो पेज नंबर आप एक्सरसाइज का चेक कर लीजिएगा यहाँ पे और कमेंट कर दीजिएगा कि पेज नंबर कितना है. आप इसको अपने आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, और एनसीईआरटी का जो मतलब है, जिस जो लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप श्योर है ट्राई करिएगा. जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके नीचे हमने क्या एक प्लेन मिरर रखा है और वहाँ पे एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, फिर यहाँ से रेज आती हुई दिखेगी आपको. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये पिछली बार बोर्ड में आ भी चुका है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 अब ये कह रहा है कि ड्रा ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ ए लेंस विद द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. मतलब है पावर का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो वी नो दैट एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ² एंड वी नो दैट पी इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या एन के, और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है 1/λ² के. तो हम बोल सकते हैं कि पावर जो है वो 1/λ² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इट मीन्स इन्वर्सली क्या हम बोल सकते हैं, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगा, पावर होगा. हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ, फिर 1/λ की मीनिंग वो सेंस नहीं देगी आपको. सिंपली आप बोलिए कि पावर लैम्डा के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के. तो यहाँ पे क्या होगा, पावर की वैल्यू क्या होगी, जब डिक्रीज होगी तो लैम्डा इंक्रीज करेगा. तो यही हमने ग्राफिक बना दिया. क्लियर, सो आई होप दिस आंसर बी आल्सो बी क्लियर टू यू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने मेंशन किया है व्हाट आर द ऑप्टिकल फाइबर मेंशन देयर वन एप्लीकेशन. ऑप्टिकल फाइबर क्या है और एक एप्लीकेशन आपको इसका मेंशन करना है. ठीक है, तो एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन TIR. ये किस पे बेस्ड होता है, TIR. अब TIR होता क्या है आपको भी पता है फुल फॉर्म, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मैंने यहाँ मेंशन भी किया है थ्रू विच क्या होता है. अब इसके आगे हम इसको चेक करते हैं. देखिए, थ्रू विच ए लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑलमोस्ट नो लॉस ऑफ एनर्जी. मतलब इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है. आगे मैंने मेंशन किया है इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड थिन पाइप ऑफ क्वार्ट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-4 मीटर. ये एक क्वार्ट्स की पाइप होती है. ये पाइप आपको रेड कलर की दिख रही है, ये किससे बनी है, क्वार्ट्स से बनी है. ठीक है, अब क्या है, क्वेटेड विद ए मटेरियल ऑफ लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे ये जो मैंने एक लेयर बनाई है डॉटेड से, वो क्या है, लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है, एक लेयर है. इसके ऊपर क्वेट कर दिया, क्वेटिंग करना मीन्स होता है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देना. अब क्या होता है, व्हेन ए लाइट रेज इंसिडेंट ऑन वन एंड, मतलब जब इसके एक एंड पे लाइट इंसिडेंट करती है एंड एंटर्स क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स में एंटर करती है एंड द लाइट रे सफर्स TIR. मतलब उसमें क्या होता है, ये उसमें टोटल, चूंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है.
फिर यहाँ भी वही फेनामेना होगा, है ना। तो फिर यहाँ भी लाइट यहाँ पे वापस चली जाएगी, फिर सेम कंडीशंस यहाँ पे भी होगा, तो ये लाइट यहाँ चली जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, देखो टीआईआर एंड इमर्जेज आउट इन द इन दिस वे एंड इमर्जेज आउट एंड इन दिस वे लाइट रीचेज टू द अदर एंड, मतलब है एक एंड से दूसरे एंड पे लाइट रीच कर जाती है। एंड आर यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ लाइट सिग्नल, और लाइट को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे एक सिग्नल यहाँ से इस सिग्नल को यहाँ भेजता है, लाइट को हमने सेंड कर दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द लास्ट वीडियो of a very short answer question which is related to your board examination, and I will come with the third series of ray optics, and in this series I will discuss the long answer which is related to your board exam. So students, please just watch this video so that you can clear your concept in a very easy manner. Thank you, students.